सांस नहीं आती यहाँ पर जब भीड़ होती है ना शाम में। क्या प्रॉब्लम है इस गेट के लिए? यहाँ पे गेट पे बहुत भीड़ लग जाती है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, बच्चों के बहुत जगह चोट भी लग जाती है। तकरीबन इस गेट के ऊपर जो वाहियात होती है उस वाहियात को देखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा वो खुद आके इस गेट में देखिए। आप देखिए अभी तो खैर इतने भीड़ नहीं, अभी आप 10 मिनट पहले आते जब देखते हैं। अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बाकी वो ये पे यहाँ पे है कि ये गेट बंद है और ये छुट्टी के टाइम खुलना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगी इस गेट के बारे में? ये गेट स्कूल के टाइम पे खुलना चाहिए जरूर, जिससे लड़का लड़की दोनों आराम से निकल जाए। ये खुलता नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये वाला गेट खोल देते हैं, ये जल अधिकारी इधर से खोल देते हैं, इधर से थोड़ा बहुत निकल जाती है पब्लिक, पर ये गेट कभी नहीं खुलता। तो इस गेट से क्या दिक्कत है? इस गेट में देखिए आप, देखिए अभी तो खैर इतनी भीड़ नहीं, अभी आप 10 मिनट पहले आते जब देखते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 12 बजे तकरीबन इस गेट के ऊपर जो वाहियात होती है उस वाहियात को देखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा वो खुद आके इस गेट को यहाँ पर देखें, अपनी निगरानी में वाच करें। यहाँ पर किस प्रकार की बेटियों के साथ, लेडीजों के साथ, बहनों के साथ जो वाहियात होती है और उस वाहियात के अंदर कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो अपना फ़ायदा उठाते हैं और छेड़खानियाँ करते हैं, स्नैचिंग होती है, जो देख कर बहुत ही अभद्र है। समाज इसके लिए बार बार अपनी आवाज़ें उठाता है मगर प्रशासन यहाँ पर जागरूक नहीं है। और कॉलोनी के लोगों से भी बार बार कहा गया है कि यहाँ पर उस समय छुट्टी के टाइम पे कम से कम 1 से 2 घंटा इस गेट को ताला खोल दिया जाए ताकि स्कूल के बच्चे आराम से निकल जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो और जो वाहियात करने वाले लोग हैं उनको वाहियात करने का मौका ना मिले। यही हमारी पब्लिक के माध्यम से सरकार को दरखास्त है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इस कार्रवाई के लिए बहनों के लिए, बेटियों के लिए, स्कूल की बच्चियों के लिए जरूर इस तरफ ध्यान दे, तभी बेटियां पढ़ पाएंगी और सुरक्षित रह पाएंगी। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो यहां पे इस गेट पे निकलते हुए आते जाते हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अपनी बात प्रशासन और शासन के सामने रखना चाहते हैं। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग हुआ है फ्लाई ओवर पे कि वहाँ पे 2 कॉन्स्टेबल खड़े कर दिए गए, वहाँ से क्लाउड ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये गली का, ये कॉलोनी का गेट है यहाँ पे, ये कॉलोनी का गेट है यहाँ पे जो है, ये गेट बंद है। ये कॉलोनी वालों से सहयोग अगर मिले तो बहुत अच्छा है। क्या प्रॉब्लम है इस गेट के लिए? यहाँ पे गेट पे बहुत भीड़ लग जाती है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, बच्चों के बहुत जगह चोट भी लग जाती है, बच्चे गिर भी जाते हैं, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ये गेट बंद रहता है, छोटा वाला खुलता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, 500-600 बहुत बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, फिर भी ये गेट यूँ नहीं कि पूरा खोल दिया जाए। तो क्या चाहते हो ये कॉलोनी वालों से, प्रशासन से, किस से चाहते हो? ये गेट पूरा खोल दिया जाए, खुलना चाहिए गेट। ये बोलो यार, सांस नहीं आती यहाँ पर जब भीड़ होती है ना शाम में, ये गेट नहीं खोलते और फिर बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, या तो ताला तोड़ते हैं इसका, फिर दोबारा ताला लगा देते हैं यहाँ का, और शाम में ये गेट नहीं खोलते बराबर वाले भी। ये गलत है ना, इन्हें भी खोलना चाहिए शाम को गेट, नीचे जाते टाइम भी होती है भाई, दोनों टाइम होती है। तो क्या चाहते हो, ये गेट खुलना चाहते हो या फिर गार्ड खड़ा होना चाहिए? खुलना चाहिए ये गेट। ठीक है, हम प्रशासन से और शासन से उम्मीद रखेंगे कि ये कॉलोनी वालों से बोलें कि ये गेट खोलने की कृपा करें। मानते हैं कि प्रशासन का बहुत अच्छा साथ है, बहुत अच्छा सहयोग है, और ब्रिज पे बहुत अच्छा सहयोग है, लेकिन ये जो दीवार की है, ये दीवार करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चों से उस तरफ पता करेंगे कि ये इस दीवार का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चे यहाँ से कूद कूद के आ रहे हैं, ये कोई भी दुर्घटना हो सकती है।